बीएससी फर्स्ट ईयर सेक्शन बी सब्जेक्ट जूलॉजी फर्स्ट पेपर टॉपिक आउटलाइन ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। साइंटिस्टों ने एनिमल क्लासिफिकेशन को वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम किंगडम एनिमल किंगडम होता है, जिसे एनिमेलिया कहते हैं। एनिमेलिया को साइंटिस्टों ने शारीरिक संगठन के आधार पर टू टाइप में विभाजित किया, फर्स्ट प्रोटोजोआ, सेकंड मेटाजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है एंड इनकी बॉडी लेयर मोनोब्लास्टिक एंड नेकेड भी होते हैं। सेकंड मेटाजोआ, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कोशिकीय, ऊतकीय तथा अंग स्तर तथा अंग तंत्र प्रकार का भी होता है। इनका बॉडी लेयर डिप्लोब्लास्टिक तथा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसमें दो स्तर या तीन स्तरों का निर्माण होता है। वैज्ञानिकों ने मेटाजोआ को भी आगे जाकर तीन ग्रुप में विभाजित किया है, जो कोशिकीय स्तर के आधार पर डिवीजन किया, फर्स्ट मेसोजोआ, सेकंड पेराजोआ, थर्ड यूमेटोजोआ। मेसोजोआ के अंतर्गत डायसेमिडा आता है, जिसका एग्जाम्पल डायसेमा। इसके अंतर्गत वर्म लाइक पैरासाइट एनिमल आते हैं, जो मेराइन इनवर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं और पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं। पेराजोआ, इसके अंतर्गत फाइलम पोरिफेरा आता है, जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेयर सेलुलर लेयर होती है। थर्ड यूमेटोजोआ, इनको भी साइंटिस्टों ने टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम के आधार पर डिवीजन किया एंड सिमेट्री के आधार पर भी डिवीजन किया गया है। पहला है रेडिएटा, सेकंड बायलेटेरिया। रेडिएटा के अंतर्गत ऐसे एनिमल आते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिन पर दो स्तर का निर्माण होता है तथा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेयर प्रकार का होता है। इसके अंतर्गत रेडियल एनिमल्स एंड बाय रेडियल एनिमल्स आते हैं। रेडियल्स एनिमल्स के अंतर्गत फाइलम सिलेंट्रेटा आता है, इसका एग्जाम्पल हाइड्रा होता है। बाय रेडियल के अंतर्गत फाइलम टीनोफोरा आता है, एग्जाम्पल ब्रोई। सेकंड बायलेटेरिया, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं तथा ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। बायलेटेरिया को भी आगे जाकर साइंटिस्टों ने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर, भ्रूण विकास के आधार पर प्रोटोस्टोमस एंड ड्यूटेरोस्टोमस में डिवाइड किया गया है। प्रोटोस्टोमस में
ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण होता है तथा ड्यूटरोस्टोमस में ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण नहीं होता एंड ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है। प्रोटोस्टोमस को भी आगे जाकर वैज्ञानिकों ने स्लोम के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, यूसिलोमेट। एसिलोमेट के अंतर्गत फाइलम प्लेटिहेलमिंथिज आता है, सीडोसिलोमेट के अंतर्गत फाइलम नेमेटोहेलमिंथिज आता है, इसे नेमेटोडा भी कहते हैं। यूसिलोमेटा के अंतर्गत फाइलम एनिडा, मोल्स्का और आर्थ्रोपोडा आता है जो एनिमल साइज यूसिलोमेट होते हैं। इसके अंतर्गत दो फाइलम मोल्स्का एंड आर्थ्रोपोडा हिमोसिल टाइप के होते हैं। यूसिलोमेटा के अंतर्गत इसके अंतर्गत एनिमल में सिलोम एब्सेंट होती है, सीडोसिलोमेट के अंतर्गत एनिमल में सिलोम तो पाई जाती है परंतु ट्रोसिलोम नहीं होती क्योंकि इसकी ओरिजिन मीजोड्रम से नहीं होती। यूसिलोमेट इसके अंतर्गत सिलोम का निर्माण होता है तथा ट्रोसिलोम होती है तथा इसकी ओरिजिन मीजोड्रम से होती है। सेकेंड ड्यूटरोस्टोमस, ये एनिमल यूसिलोमेटा कहलाते हैं ये भी, और सिलोम के ओरिजिन के बेस पर ये एनिमल इंटरोसिलोमेट होते हैं। इसके अंतर्गत फाइलम इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा आते हैं।